जय श्री राम। आज तारीख है 16 तारीख और एक भाई मिला है, मतलब वाराणसी से हम लोग मैक्सिमम 10 किलोमीटर आ ही गए, 10 किलोमीटर आ गए। अभी सुबह 10 बजने वाला है, तो एक भाई मिला है महाराष्ट्र का, मतलब 2000 किलोमीटर का ऊपर प्लस। उधर से साइकिल लेके निकल पड़े हैं, भाई को पूछा था, भाई बोल रहा है 1 तारीख को निकले है। तो हम लोग तो पश्चिम बंगाल से निकले थे 5 तारीख को, भाई 1700 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं ना। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? अभी इधर से अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर, सभी का एक ही मतलब टारगेट है, राम मंदिर जाना है। हाँ, तो हम लोग तो चल पड़े थे, मतलब पैर से। दो भाई निकले हैं हम, वो हमारा पीछे भाई है, तो भाई निकले हैं साइकिल से। भाई आपको राम मंदिर का जाने का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है, मतलब राम मंदिर का इतना मतलब वो हम ही एक्साइटेड? हाँ, वो हम ही पीढ़ी की राम मंदिर खड़े होते हुए देख रहे हैं। हाँ, और उसके ओपनिंग के लिए हम उधर होंगे, वो जितना हम नसीबवान है जी, वो हमें वो सौभाग्य मिल रहा है। हाँ, उसने हमारा जनरेशन का इतना अच्छा सौभाग्य मिला है, मतलब 600 साल पुराना जो हमारा मतलब कोशिश चालू है, हमारा वापस राम जी वही पे मतलब मंदिर बनना चाहिए, तो वही जगह में फिर से बन रहे, वही देखने का नसीब हमारा मतलब भगवान ने हम लोगों को दिया है, हमारा जनरेशन को दिया है ना। कुछ अलग तरीके से हम उधर तक जा रहे हैं। हाँ, राम जी ने तो पूरा वनवास भोगा था। हाँ, हम तो वनवास नहीं कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा अभी हमारा कोशिश तो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो महाराष्ट्र से आप कौन से गांव से हैं? महाराष्ट्र से हम कोल्हापुर। कोल्हापुर? हाँ, कोल्हापुर। हाँ, कोल्हापुर हमने नाम सुना है, उधर हमारा लड़का है, हम भी मतलब महाराष्ट्र का एक सेट से। महालक्ष्मी मंदिर का, महालक्ष्मी मंदिर है। हाँ, आप मराठी में भी बोल दीजिए, मराठी में, क्योंकि हमारा मराठी वाला हमारा जो सेट है ना, स्वप्निल, उसका भी महाराष्ट्र में घर है, कोल्हापुर का साइड में, तो हमारा सेट भी देखते है हम लोगों को, हम उधर काम करते हैं। हमारा मतलब केरल में रहते हैं, महाराष्ट्र में हमारा सेट जो है ना, वो मैक्सिमम मतलब 30-40 साल का ऊपर हो गया है। उधर हमारा सेठ छोटा से एकदम उधर स्कूल कॉलेज किया, फिर उधर फिर से मतलब धंधे में लग गए, उधर ही घर पर सब कुछ उधर ही है। तो आप थोड़ा मतलब मराठी से भी जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। तर आमच्या इकडे खायला म्हटलं तर तांबडा पांढरा खूप आहे, पायाचं घालायचं म्हटलं तर पायताण आहे, आणि मारायला सुद्धा आमच्या इथे पायताणच वापरतात, कारण ते जे आहे ते कोल्हापुरीच आहे। कोल्हापुरी, कोल्हापुरी पायताने एक नंबर, वो खाण्यासाठी कोल्हापुरी तांबडा पांढरा रस्सा। रस्ते में कितना ज्यादा हेल्प मिला लोगों को? अभी रस्ते में तो मुझे बहुत लोग मिल गए, बहुत लोगों ने मदद की। मतलब हम लोगों को देखते हैं ना, लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं मिलता है ना, वो पैसों से नहीं मिलेगा। हाँ, और मतलब आप दिन में कितना साइकिल चला लेते हैं? दिन में मैं पहले महाराष्ट्र में था तब 140-150 चला रहा था। हाँ, किलोमीटर भी मार। जब भी मैं आया तो थोड़ा 120 पे आ गया था। हाँ, और अभी यूपी में तो 100 किलोमीटर ही होता है। रास्ते में कोई तकलीफ? तकलीफ वगैरह कुछ भी नहीं, राम जी मेरे पीछे है, हनुमान जी मेरे पीछे है, इसलिए कोई भी तकलीफ नहीं आ रही है अभी तक। वाला था हम, रास्ते में देखना चाहिए नहीं, रास्ते में अभी जो कल जो इतना ज्यादा पतंग उड़ाए थे ना, तो इतना ज्यादा जोर मिल रहा है रास्ते में, मतलब कल से, मगर कभी कभी रास्ते में चलना भी मुश्किल हो रहा है, मगर पैर में अटक गया, एक फ्लाईओवर में इधर उधर रह गया ना, और बाइक में जोर से स्पीड में जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी, गले में अटक गया या मुँह में अटक गया, तब तो कटने वाला है जरूर एकदम। तो हाँ, ये धागा में भी बहुत सारा प्रॉब्लम कर रहा है, हम लोगों को देखा किसी किसी बाइक में अटक रहा है, चक्के में, किसी का पैर में अटक रहा है, मतलब रास्ते में। अभी 5 तारीख से हम लोग चल रहे हैं ना, मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस मतलब आ गए हम लोगों का, कुछ देखने को नया, कुछ सीखने का, मतलब बहुत कुछ है ना, कुछ आ गया है ना। मुझे तो एक पहाड़ ऐसा मिला कि मैं सुबह से दोपहर तक वो पहाड़ ही चल रहा था, क्योंकि जितना भी ऊपर जाओ बहुत कम ही था, बहुत ऊपर था, लेकिन वो 15 किलोमीटर का पहाड़ मैंने 4 घंटे तो लग गए। चार घंटे लग गए,
तो बाहर करके मैं एक दिन उधर ही रुका, उधर का मेरा थोड़ा साइकिल का स्पीड जो था वो डेली का 80-100 किलोमीटर था, लेकिन उस दिन मेरा 70 किलोमीटर दुख रहा है। और हम लोगों को एक झारखंड में एक पहाड़ मिला था, मतलब जो विष्णु भगवान है ना, विष्णु भगवान का जब बड़ा वाला एक मूर्ति बनता है तो उसको लिटाने से जैसा लगता है ना देखने में, मतलब एकदम इधर से मतलब मुंह से ऊपर तक सेम टू सेम मतलब ऐसा लग रहा था देखने को, मतलब हम सोचे तो राम जी यही मिल गए हमको, ऐसा हुआ हमारा एक्सपीरियंस। मतलब क्या बात है, तो ये आगे का सुनते हैं जो ये है भाई का उल्टा करके देखिए आप। हाँ उल्टा, वो तो जो मतलब समझने वाला है ना वो समझ ही जाएगा। आप उल्टा करके देख सकते हैं कांच में। और आपका आपका चैनल का नाम बताइए। मेरा इंस्टाग्राम चैनल आईडी है mbking09, एक फर्स्ट नंबर पे ही आता है, वही मेरा आईडी है। और यूट्यूब पे है @manas0586, मतलब -016। चलिए जय सियाराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, हर हर।